हर इलेक्ट्रॉनिक्स एंथुजियास्ट की एक दिल में तमन्ना होती है कि उसके पास एक वेरिएबल बेंच पावर सप्लाई हो। आज की वीडियो में हम मिलिट्री ग्रेड वेरिएबल बेंच पावर सप्लाई बनाने जा रहे हैं। रोल द इंट्रो। व्रम 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 श्री त्रिपाठी। वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि भाई के 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप सभी जहां भी हैं। आई डोंट नो हु यू आर, आई डोंट नो व्हाट यू वांट। इफ यू आर लुकिंग फॉर रैंसम, I can tell you I don't have money, but what I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. I will look for you. I will find you. आपका दिल से धन्यवाद। हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें सबसे पहले उसका स्कीमेटिक पता होना चाहिए। किसी भी पावर सप्लाई को बनाने से पहले हमें ज़रूरत होती है पावर की, तो पावर आती है 220 वोल्ट एसी से, जो हमारा सॉकेट होता है, वॉल सॉकेट। इससे नेक्स्ट आइटम जो कनेक्टेड है वो है एक स्विच, और स्विच जो है वो डबल पोल डबल थ्रो स्विच है, उसे गैंग करके हमने ज़्यादा एम्प्स के लिए गैंग करके रखा है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन के लिए लगा है एक 6 एम्पीयर्स का फ्यूज़, और उसको हमने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में देने के लिए यूज़ कर रहे हैं 12-0-12-63 एम्पीयर का इन्वर्टर ट्रांसफार्मर को। उससे हमने फेज टू फेज कनेक्ट करके रखा है अपना फुल ब्रिज रेक्टिफायर, और इसमें जो सेंटर टैप है उसे हमने यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे 12 और 12 के फेज 24 वोल्ट बनाते हैं। और इसका जो माइनस और प्लस आउटपुट है वो हमने देके रखा है अपना कॉन्स्टेंट करेंट कॉन्स्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल में। ये आजकल ऑनलाइन मिल रहे हैं, काफी चीप यूनिट्स हैं। अगर आपको अपना कुछ वेरिएबल पावर सप्लाई बनाना है तो ये एक अच्छा यूनिट मिलता है। इसके बाद इसमें लगाया है एक डिस्प्ले जो करंट और वोल्टेज को मेजर करता है, और इससे हमने दिया है अपना आउटपुट, जिसमें जो एम्पियर स्केल है वो जाती है डिस्प्ले के बाईपास, मतलब डिस्प्ले के अंदर से जाती है, और जो वोल्टेज सेंस का वायर है वो कनेक्टेड है हमारे रेगुलेटर के आउटपुट के प्लस से। इसी के साथ में जो डिस्प्ले की पावर है वो डिस्प्ले सपोर्ट करता है 5 वोल्ट्स टू 40 वोल्ट्स की रेंज, तो हमने डायरेक्टली अपना फुल ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस प्लस से देके रखी है। और फैन हमने एक ऐड किया है अपने ट्रांसफार्मर और इसके हीट सिंक, जो मॉड्यूल है इसके हीट सिंक को देने के लिए, उसके लिए यूज किया है LM2596 वोल्टेज रेगुलेटर का, जो स्टेप डाउन यूनिट होता है। इसकी पावर को हमने 24 वोल्ट से लेके फैन चलाने के लिए 12 वोल्ट पे करके रखी है। और जो ये मॉड्यूल है इसके अंदर लगे आते हैं दो ट्रिमर पॉट, जो होता है कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज के लिए, तो उसे हमने दो अलग अलग फिजिकल यूनिट्स में लगा के रखा है। जो तीनों तार होते हैं इसके, वो अलग से करके रखे हैं। पावर सप्लाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें खुद एक पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, जो हमें मिलती है या तो एक ट्रांसफार्मर में या एक SMPS में। हम SMPS पावर सप्लाई, जो वैसे ही DC आउटपुट देती है, उसका यूज नहीं करेंगे। हमारे पास दो ट्रांसफार्मर हैं, पहला है ये जो है 12-0-12-3 एम्पीयर, हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बहुत छोटा है हमारे काम के लिए। हम यूज करेंगे इस बड़े 30 एम्पीयर 12-0-12 का, जो हमने निकाला है एक पुराने इन्वर्टर से। हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम मार्केट से खरीदते हैं, जैसे कि एक माउस, उसमें लगी आती है एक बैटरी, जैसे कि ये वर्नियर कैलिपर जिसके साथ आती है एक कॉइन सेल बैटरी, और हमारा फोन जिसके साथ हमें मिलता है एक चार्जिंग केबल और एक अडैप्टर। सेम उसी तरीके से ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जो आप मार्केट से खरीदते हो। और अगर आप खुद अपना कुछ बनाना चाहते हो, अपना खुद का कुछ, कोई बैटरी चार्जर है, कोई सेंसर है, कोई टिकट काउंटर है, या कोई भी ऐसी चीज जो आप बनाना चाहते हो, तो आपको जरूरत होगी एक पावर सप्लाई की। तो वेरिएबल बेंच पावर सप्लाई की अहमियत ये होती है कि आप उसमें वोल्टेज और करंट लिमिट सेट कर सकते हो, जो इसेंशियल होती है आपकी प्रोटोटाइपिंग में। प्रोटोटाइपिंग जब आप करते हैं सर्किट्स की, तो आपको जरूरत होती है पावर सप्लाई की। कुछ समय पहले मैंने ली थी वेरिएबल बेंच पावर सप्लाई, सोफेस्टिकेटेड डिजिटल डीसी पावर सप्लाई। सोफेस्टिकेटेड डिजिटल डीसी पावर सप्लाई हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए मिलिट्री ग्रेड वेरिएबल बेंच पावर सप्लाई। इसके अंदर बनाएंगे हम अपनी पावर सप्लाई, ठीक है? जिसमें मिलिट्री ग्रेड हमारा सिर्फ ये डब्बा है, इसमें बनाएंगे हम अपनी पावर सप्लाई। मिलिट्री ग्रेड वेरिएबल बेंच पावर सप्लाई में मिलिट्री ग्रेड सिर्फ ये डब्बा है। तो आज के वीडियो में हम करेंगे इस डब्बे की अनबॉक्सिंग, तो चलिए शुरू करते हैं।
काफी मेहनत के बाद हुई है हमारी इस डब्बे की अनबॉक्सिंग। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये खाली डब्बा है। शांति आप बनाए रखें। और यहाँ पे होती है एक गैस्केट जो इसे वाटर टाइट रखती है। और इस डब्बे के अंदर जब हम मिलिट्री ग्रेड पावर सप्लाई लगाएंगे तो उसमें लगेगा एक ये बड़ा ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर जिसके लिए अब हम बनाएंगे एक फर्मा जिसमें हम ड्रिल करके लगाएंगे अपनी ट्रांसफार्मर को इस तरफ। इस मिलिट्री ग्रेड डब्बे की अनबॉक्सिंग आपने देखी। और इसका एक खास ये चीज होती है, इसको ऐसे करके आप करोगे तो इसका ढक्कन अलग हो जाता है। तो आइडिया ये है कि इस डब्बे में बाहर से अगर आप इसे देखोगे तो हम बाहर से इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मीटर, कोई भी चीज नहीं लगाएंगे। सारी चीजें इस तरफ अंदर लगेंगी। और हमेशा पावर सप्लाई को यूज करने के लिए डब्बा हटा के इसका इस्तेमाल होगा। इसके अंदर जाएगा ये हमारा बड़ा ट्रांसफार्मर। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डब्बे पे हैं कुछ जंग के निशान। तो अपनी पावर सप्लाई इसमें बनाने से पहले हम करेंगे इस डब्बे को रिस्टोर। यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर को हाउसिंग में फिट कर लिया है नट बोल्ट लगा के। और साथ ही में इसकी जो प्लेट बननी थी वो प्लेट बनाई है। ट्रांसफार्मर को लगाने के बाद यहाँ पे मैंने एक फैन ऐड किया है। जो फैन है, फैन के अलावा यहाँ से जो सेकेंडरी के वायर हैं फेस टू फेस, ये आते हैं ब्रिज रेक्टिफायर यूनिट में। ये 10 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर है। और 63 एम्पियर ट्रांसफार्मर के बाद अभी ये 10 एम्पियर के हिसाब से बनाया है क्योंकि जो मॉड्यूल है उसकी लिमिट 12 एम्पियर है। मैं 10 एम्पियर का यूज़ कर रहा हूँ। चाहें तो हम मॉड्यूल और ये रेक्टिफायर चेंज करके अपना एम्प्स बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो दोनों पॉट्स हैं ये वायर वाउंड पॉट्स हैं, ये कार्बन स्वीप करने वाले पॉट्स नहीं हैं। ये 10K रेटिंग वाले पॉट्स को हमने यहाँ पे ओरिजिनल पॉट हटा के लगाए हैं। डिस्प्ले जैसा कि स्कीमेटिक में मैंने आपको बताया है, ये डिस्प्ले लगा हुआ है। और एसी जो है इसमें फ्यूज प्रोटेक्शन के बाद स्विच और ये ट्रांसफार्मर में गई है। और ये वायर जाते हैं हमारे फैन के लिए। ये जब हम उठाते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। और फाइनल इंस्टॉल होने के बाद इसका ढक्कन लगाने पे, जब ये डब्बे का ढक्कन लगेगा हमारी मिलिट्री ग्रेड ढक्कन, तो ये सारी चीजें काफी नीचे रहेंगी इस सप्लाई से। और साइड में हमारे पास इसकी पावर केबल और इसके आउटपुट की लीड्स को रखने के लिए जगह है। अब मैं आपको इसकी वर्किंग समझा देता हूँ। ये जो पोर्ट है इसी के अंदर में नीचे का ये जो स्लॉट है, इसको अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे फ्यूज दिए हुए हैं, एक मेन फ्यूज और एक स्पेयर फ्यूज। उसके बाद ये ऑन ऑफ का स्विच है। ये हमें वोल्टेज और ये हमें एम्प्स बताता है। ये माइनस का आउटपुट, ये प्लस का आउटपुट, ये वोल्टेज सेट करने के लिए और ये करंट लिमिट सेट करने के लिए। अगर हम करंट से सेट करेंगे तो हमारा वोल्टेज मतलब ये रहेगा मेन ऑपरेशन कंट्रोल, और अगर वोल्टेज से सेट करेंगे तो फिर वोल्टेज रहेगा मेन ऑपरेशन कंट्रोल। और चलिए अब मैं इसको आपको यूज करके बताता हूँ। पावर हमने कनेक्ट करके रखी है अपने इनपुट पे। और उसके बाद जैसे हम इसे स्विच ऑन करते हैं तो आप पंखा चलने की आवाज़ सुन सकते हो। काफ़ी ज़ोर से पंखा चलता है यहाँ पे। और ये हमारे मॉड्यूल की हीटसिंक साइड में लगी है जो पंखे के जस्ट साइड से। अभी आप देख सकते हो कि 1.1 वोल्ट ड्रॉ कर रहा है। ये 21 वोल्ट का पल्सर गाड़ी का हेड इंडिकेटर बल्ब है और 70 मिली एम्पियर और 1.1 वोल्ट ये ले रहा है।
थोड़ा सा मैं अगर करंट बढ़ाता हूँ तो करंट पूरा स्केल अप करने के बाद भी करंट बढ़ नहीं रहा और ना ही बल्ब जल रहा है, तो करंट को मैं 30% के ऊपर रखता हूँ, धीमे धीमे वोल्टेज बढ़ाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि 2.4 वोल्ट पे बल्ब जलना चालू होता है और 1.4 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। अगर मैं करंट और बढ़ाऊंगा तो भी स्केल अप करने के बाद भी इसका करंट जो ड्रॉ कर रहा है वो बढ़ता नहीं है, तो वापस मैं इसे 30% की रेंज पे कर देता हूँ। 30% से नीचे जाने के बाद में करीब 10% और 5% से 10% के बीच में यहाँ पे करंट ड्रॉप देख सकते हो कि 2.7 एम्पियर है, 270 मिली एम्पियर करीब, और यहाँ से स्केल अप करने के बाद करीब करीब 1 एम्पियर पे बल्ब जलना चालू होता है, 2.4 वोल्ट 1 एम्पियर पे। अब मैं इसको धीमे धीमे वोल्टेज बढ़ाऊंगा, तो अभी वोल्टेज 3.1 हो चुका है, और क्योंकि मैंने करंट लिमिट करके रखा है इसलिए आप देख लो मैं यहाँ वोल्टेज अगर पूरा भी ट्वीक कर रहा हूँ तो जा नहीं रहा वोल्टेज, क्योंकि मैंने यहाँ पे करंट लिमिट करके रखा है। तो मैं वोल्टेज को वापस 30% पे लाता हूँ और करंट को बढ़ाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने इसको करीब 50% पे करके रखा है, और अब अगर मैं इसको जलाऊंगा तो आप देख सकते हो कि वोल्टेज बढ़ने चालू है। अगर मैं वापस करंट को लिमिट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फुल मैं इसको 12 वोल्ट पे कर रहा हूँ। गाड़ी में ये कुछ इस तरीके का जलता है, यहाँ 12.5 वोल्ट वोल्टेज है और 2.6 2600 मिली एम्पियर ये करंट ले रहा है। अगर मैं करंट लिमिट करूँ इसका तो आप देख लो ब्राइटनेस कम हो रही है, वोल्टेज भी गिर रहा है। इसको मिनिमम से मिनिमम करंट चाहिए है चलने के लिए, इसको 2.5 एम्पियर करीब करंट चाहिए होता है तब जाके बल्ब जलता है इस इंटेंसिटी के साथ में। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें इस पावर सप्लाई से आप कर सकते हो, और बल्ब हटा के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैक्सिमम जाती है जो हमारा ट्रांसफार्मर का आउटपुट है 24.4 वोल्ट मैक्सिमम जाता है ये, और इससे आप वोल्टेज और इससे आप करंट एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब मैं इसे ढक्कन लगाने के लिए, अभी ये फेस प्लेट पूरी तरीके से लगी नहीं है, कंप्लीट करके दिखाता हूँ। आपने देखा कि पावर सप्लाई हमने कंप्लीट करके देखी, अब इसका फाइनल कलर जो होना है मिलिट्री ग्रेड कलर वो हो चुका है, और ये जो है इसको अब हम डालेंगे इस डिब्बे में। ये पावर सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हो कि एक साइड फैन लगा है, ऊपर प्लेट है जो मेन, और अंदर ट्रांसफार्मर है। इसको हम डालते हैं इस डिब्बे में, ये हो गई हमारी मिलिट्री ग्रेड वेरिएबल बेंच पावर सप्लाई तैयार। 1000 सब्सक्राइबर्स पार करने के लिए हमें चाहिए कुछ फायरवर्क्स, कुछ पटाखे, तो चलिए इससे हम कुछ फोड़ के देखते हैं।
आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल पर बने रहिएगा श्रीस्त्रिपाठी।